दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। आज पूरे देश भर में पाकिस्तान के साथ हुए 1965 के युद्ध की जीत की स्वर्ण जयंती मनाई गई। 1965 की उस ऐतिहासिक लड़ाई में हिस्सा लेने वाले सेना के जवानों और अफसरों पर आज भी वैसी ही चमक दिखाई देती है जैसी युद्ध में जीत के समय उनके चेहरे पर थी। उन्हीं कुछ पुरानी यादों को लेकर 1965 के युद्ध के भागीदार रहे रिटायर लेफ्टिनेंट कर्नल साधु सिंह घुम्मन ने हलचल की टीम से एक विशेष मुलाकात की। अपनी इस भेंट के दौरान अपने मेडल छाती पर लगाकर आज भी वे किसी हीरो से कम नहीं दिख रहे थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि उन्हें आज भी इस बात का मलाल है कि जहां एक और पूरा भारतवर्ष 1965 युद्ध की स्वर्ण जयंती की खुशियां मना रहा है, वहीं उस युद्ध में अपनी हिस्सेदारी दे चुके अधिकारियों को अपनी मांगों के लिए मरण व्रत पर बैठना पड़ रहा है। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड साधु सिंह कुमन, मेरी डेट ऑफ बर्थ 3 अगस्त 1932 है और मैं कमीशन मिला रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी 144 फील्ड रेजिमेंट 25 अगस्त 1959। उस तो बाद 3 साल दे विच विच मैं एज ए फुल लेफ्टिनेंट चाइनीज़ वार विच गया। तो उदों मैं गन पोजिशन ऑफिसर सी ते मेरे थले 4 तोपां सी। इस तो बाद मैं कैप्टन रैंक दे विच 1965 वार दे विच हिस्सा लिया। उस टाइम मैं 20 लोकेटिंग रेजिमेंट दे विच सी और जदों सानूं हुक्म मिलिया ये यूनिट जिहड़ी है योल कैंप लोकेटेड सी, ते मैनूं 3 अफसर होर मिले ते असी जम्मू साइड नूं मार्च करके फिर असी बॉर्डर क्रॉस करके ते जिहड़ी वड्डियां वाला पोस्ट सी उस नूं कैप्चर कर लिया और असी 10 दिनों दे अंदर अंदर 250 पिंड पाकिस्तान दे लै रहे। उस लड़ाई दे विच क्योंकि इंस्ट्रक्शन हुंदियां कि की करना है ते की नहीं करना, लाइक सानू ये इंस्ट्रक्शन सीगियां कि कस्बे और वड्डे शहर उन्हां ते कब्जा नहीं करना। इस करके ये 250 पिंड जिहड़े ने ये तां साढ़े नाल लगते है, मतलब इंडिया के नाल लगते है। तो फिर असी उत्थे अपना कच्चा बॉर्डर लाता